आखिर पवन सिंह की पत्नी को किससे हो गया है प्यार, किसके लिए कर रही है अपने प्यार का इजहार, पूरा वीडियो देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए खबर पर बात करते हैं। आप सभी को पता है कि इस समय पवन सिंह अपने होली के गाने को लेकर इतने ज़्यादा जौनपुर में व्यस्त है, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि पवन सिंह लगातार कर रहे हैं अपने गानों की शूटिंग। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर ने तुल पकड़ लिया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। आप सभी को बता दूं कि पवन सिंह की पत्नी इस समय कश्मीर में है। कश्मीर से लगातार फोटो आ रही है ज्योति सिंह और उनके भाई बहनों फोटो शेयर कर, लेकिन कल ज्योति सिंह ने एक ऐसा फोटो शेयर किया कि पूरी तरह से बवाल हो गया। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह जौनपुर में जिस तरीके से शूटिंग कर रहे हैं उसके बाद से ऐसी फ़ोटो आना भी लाजमी था। आप सभी को बता दूं कि कश्मीर से फ़ोटो डालते हुए ज्योति सिंह काफ़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन उन्होंने लिखा, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लिखा कि मुझे प्यार हो गया। जी हाँ दोस्तों, उन्हें प्यार हो गया है कश्मीर के उन वादियों से, उन जगहों से जहाँ से वो घूम के आए, और उन्होंने लिखा है हैशटैग कश्मीर जम्मू ट्रिप। और साथ ही साथ बता दूं कि उन्होंने एक बात कही है कि मुझे प्यार हो गया, और इस बात को सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा तुल दिया जा रहा है। लेकिन क्या सच्चाई है हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर फेक पोस्टर बनाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पवन सिंह है जौनपुर में यूपी में, और वहीं दूसरी तरफ ज्योति सिंह हैं जो कि लगातार अपने जम्मू की अपडेट दे रही हैं, जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मना रही हैं। अब तक कब तक वापस आएंगी, कब तक पवन सिंह से मिलने जौनपुर जाएंगी, क्योंकि यूपी में ज्योति सिंह का भी घर है और पवन सिंह का भी घर यूपी में, शूटिंग भी कर रहे हैं। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कब तक इन दोनों का मिलन होता है या दोनों एक साथ हमें कब देखने को मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।